मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में रामटेक से एडवोकेट जायसवाल के नामांकन की पुष्टि की, जिससे भाजपा के रेड्डी की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। नाराज रेड्डी ने आज पत्र परिषद लेकर निलंबन पर पुनर्विचार करने की मांग की है। रेड्डी द्वारा पत्र परिषद में कहा गया कि रामटेक विधानसभा क्षेत्र जिला नागपुर महाराष्ट्र में वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़कर विजय हुआ और पहली बार इस विधानसभा क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से ही मैं भाजपा का प्रचार प्रसार और पार्टी को जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत चुनाव में मजबूत बनाया। 2019 में विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन के तहत यह सीट भाजपा के कोटे में मिली और उम्मीदवारी मुझे मिली, किंतु शिवसेना के आशीष जायसवाल ने महायुति गठबंधन धर्म का पालन न करते हुए मेरे विरोध में चुनाव लड़ा। 2024 में संपन्न होने जा रहे विधानसभा चुनाव में मायावती गठबंधन के तहत रामटेक विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि यह क्षेत्र भाजपा के कोटे में आना चाहिए। कार्यकर्ताओं की मांग का समर्थन मैं भी कर रहा था और इस बात को लेकर मुझे पार्टी ने पार्टी विरोधी और अनुशासनहीनता करार देते हुए बिना शोकाज नोटिस दिए। महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा ने मुझे 6 वर्षों के लिए निलंबित करने का पत्र 15 अक्टूबर को जारी किया है। विनम्र निवेदन है कि मुझ पर की गई निलंबन की एक तरफा कार्यवाही पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके मुझे अवसर दिया जाए, ऐसी मांग पत्र परिषद के जरिए रेड्डी ने रखी। सर, मैं कोई भागी उम्मीदवार करके नहीं हूँ, मैं एक ईमानदार सच्चे भारतीय जनता पार्टी का सेवा करने वाला व्यक्ति हूँ। पिछले 28 वर्षों से माननीय हमारे नेता नितिन गडकरी साहब के नेतृत्व में उनका आदर्श में मानकर हम काम कर रहे हैं। हमारे पंतप्रधान मोदी जी, माननीय अमित शाह साहब के नेतृत्व में हम काम करते थे, हमारी भी तो सुनवाई होना चाहिए ना। हम भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वहां पर खड़े करना चाहते हैं रामटेक में, हम सिंधेगट को क्यों स्वीकारेंगे। महायुति के पूछ करते समय वो ठीक है, वो एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर है, समय पे हो गए, हमेशा के लिए हम कैसे मानेंगे उनको, सिंधे जी को। हमारे आमदार ज्यादा आते हैं, अभी भी हमारा आमदार ज्यादा आएंगे तो हम उनको कैसे बनाएंगे मुख्यमंत्री, सिंधे साहब को। सर, मैं अभी भी गुजारिश कर रहा हूँ हमारी पार्टी से कि मेरे ऊपर अन्याय हुआ है, आपने जो कार्रवाई की है वो पार्टी के संविधान के अनुरूप नहीं है। बिना कारण दो नोटिस ना देते हुए, बिना इंटीमेशन के ऐसे कार्रवाई करना ये पार्टी के नियमों का अनुरूप नहीं है। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा साहब को मैंने मेल किया, बावनकुड़े साहब को भी पत्र भेजा हूँ, हमारे संगठन मंत्री उपेंद्र कोटेकर साहब को पत्र दिया हूँ, हमारे जिला अध्यक्ष सुधाकर जी कोले जी को भी अवगत कराया हूँ। तो हमारी मांग है क्या, हमारी मांग है क्या, भारतीय जनता पार्टी को जब पूर्व विदर्भ में ज्यादा ज्यादा सीट लाना है तो भारतीय जनता पार्टी का विचार ज्यादा किया जाए। वहां पर पहले उद्धव ठाकरे जी का अस्तित्व था शिवसेना का, सिंधेगढ़ का अस्तित्व रामटेक में नहीं है। एक ही जिला परिषद से आया था, वो उद्धव गढ़ के था, बाकी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला परिषद से। सर, इसके पहले मैं 2-3 बार उनको मैं रिक्वेस्ट किया था, हमारे क्षेत्र में जो शेरों का हमला में बहुत किसान उन पे हमला हो रहा है, भंडारे में भी निवेदन दिए, कई बार मिला, उन्होंने कभी भी मेरे पत्र पर कार्रवाई नहीं की, कभी उसके ऊपर कोई अधिकारी को पत्र मेरे पास आज तक आए नहीं। तो एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री जब बोलेंगे कि तात्पूर्ति का, जो जनता का काम नहीं करते, जनता के हित में कोई कार्रवाई नहीं करते, तो उसको हम मुख्यमंत्री कैसे, हमारे भारतीय जनता पार्टी का 2014 से 19 में देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे, हमारे पालक मंत्री बावनकुड़े साहब थे, पालक मंत्री रहते हुए बावनकुड़े जी ने पूरे जिले में अनेक जगह जनता दरबार लगाई थी, हर ग्रामीण तबके के लोगों के काम करते थे, मुख्यमंत्री भी मिलते थे, अभी वो बात नहीं रही। 2.5 साल में जनता से हम दूर हो गए सरकार रहने के बाद। साथ ही मल्लिकार्जुन रेड्डी ने कहा कि हम नितिन गडकरी के निष्ठावान कार्यकर्ता है, हमें राजनीति से दूर रखने का काम पार्टी द्वारा किया जा रहा है। देखिए, और भी हो सकता है, 2-4 लोग तो हम दिख रहा है आपको, अनिल चोले जी है, गिरीश व्यास जी है, तिवारी जी भी लाइन में, और भी लोग है, तो वे जो पुराने लोग है ग्रामीण शहर के, ऐसे लोगों को काम मौका मिल रहा है, वो तो अभी भी एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, अनेक
नए नेतृत्व को लाना चाहते होंगे, हो सकता है। ऐसे पार्टी का कोई दिख नहीं रहा, आज ही में मुझे पुराने 33 साल 25 साल के लोग दिख रहे मीटिंग में, बैठक में। शहर के दो नेता हमारे पुराने, अनिल चोले जी, गिरीश वैद जी, अभी तिवारी जी भी लाइन में, और भी लोग है ग्रामीण में भी हमारे बहुत सारे लोग है। अभी सावरकर जी के ऊपर भी अन्याय होने की संभावना दिख रही है। हमारे टेकचंद जी, वो भी नितिन गडकरी जी के खास आदमी है। सर अभी तक मैंने किसी से कोई बात नहीं की, अभी मुझे किसी ने बोला ही नहीं सर। अभी कार्यकर्ताओं से पूछूंगा मैं। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। रामटेक में विद्रोह भाजपा के रेड्डी ने नड्डा को पत्र लिखाकर कहा कि बिना कारण बताओ निलंबन अवैध है, इस पर पुनर्विचार करें। विधानसभा चुनाव से पहले रामटेक की राजनीति गर्मा गई है, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा टिकट किसे मिलती है। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।